स्टडी आईएएस के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज वेयर वी विल टॉक एंड डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में सो दैट आप अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन रैंक सिक्योर कर सकें आपके एग्जामिनेशंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज दल बदल विरोधी कानून के बारे में। जुलाई 2019 इसी महीने में देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड केओस गोइंग ऑन इन द कर्नाटका असेंबली। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, देन यू माइट बी नोइंग कि कर्नाटका असेंबली में जो लेजिस्लेटर्स हैं दे आर हैंडिंग ओवर देयर रेजिग्नेशंस। सो देयर इज अ क्राइसिस गोइंग ऑन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, भारत के संविधान के अनुसार इस सिचुएशन में क्या क्या प्रोविजंस है, किन ग्राउंड्स पे लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली पे क्लोज अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल सो दैट यू ग्रास्प दिस टॉपिक कंप्लीटली, और आप सिर्फ इस टॉपिक को जाने नहीं इसे महसूस भी कर सकें। तो आइए इस लेसन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1967 में हरियाणा में एक एमएलए थे, उनका नाम था गया लाल, और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही कम समय में 3 बार चेंज कर ली। ही स्विच्ड हिज पॉलिटिकल पार्टी थ्राइस इन अ वेरी लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, वेरी क्विकली, और तभी से ये टर्म क्वाइन हो गया आया राम गया राम। सिमिलरली क्रिकेट में भी अगर बैट्समैन आते हैं बैटिंग करने, तुरंत ही बोल्ड हो जाते हैं, तुरंत ही आउट हो जाते हैं, देन वी ऑल्सो से आया राम गया राम। सो दिस वॉज द बिगिनिंग द इनिशिएशन फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ सो दैट द लेजिस्लेटर्स दे कैनॉट स्विच एंड दे कैनॉट चेंज देयर पोलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन। तो दोस्तों, हमारे संविधान में इन आर कॉन्स्टिट्यूशन द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, इट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी और अपने दल को बदलने के संदर्भ में किन बेसिस पे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है किसी लेजिस्लेटर को, इसके बारे में हमें 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से पता चलता है, एंड दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन एक्ट। इसी के लिए दोस्तों एक नया स्केड्यूल ऐड किया गया था हमारे संविधान में, दैट वाज द 10th स्केड्यूल, रिमेंबर इट, इट कैन बी आस्क्ड, एंड देयर वर आल्सो चेंजेस मेड इन 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 101, 102, 190 एंड 191। और कुछ समय बाद इन 2003 देयर वाज 91st अमेंडमेंट एक्ट विच चेंज्ड द प्रोविजंस ऑफ द 10th स्केड्यूल, और इसमें एक एक्सेप्शन हुआ करता था जिसे कि ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। सो ये जो एक्सेप्शन था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इस 91st अमेंडमेंट एक्ट इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी लेसन में। पर आइए पहले जान लेते हैं व्हाट आर द प्रोविजंस एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या एक्सेप्शन है, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है और रूल मेकिंग पावर किसके पास होती है इन केस ऑफ डिफेक्शंस। तो दोस्तों, अब काफ़ी ध्यान से और मन लगाकर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, काइंडली पे क्लोज अटेंशन। सो दोस्तों, किसी भी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालिफाई करने के लिए बेसिकली हम इस सिचुएशन को 3 कंटेक्स्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर टाइप, जो मेंबर है जिसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है उसका टाइप क्या है। द फर्स्ट केस, इफ द मेंबर इज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर जो मेंबर है वो किसी हाउस को बिलोंग करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, देन ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई मेंबर स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से वॉलंटरली रेजिग्नेशन दे देता है पॉलिटिकल पार्टी से, देन ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड। और दूसरा केस दोस्तों, अगर किसी मेंबर ऑफ हाउस को उसकी पॉलिटिकल पार्टी बोले कि आपको वोट करना है बट ही एब्सटेन्स, या फिर पार्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट में वोट कर रहा है एंड विदाउट देयर प्रायर कंसेंट,
उस मेंबर ने पार्टी को 15 दिन पहले नहीं बताया अबाउट हिज डिसीजन, दैट इज ही वॉन्ट्स टू एब्सटेन और ही वॉन्ट्स टू गो अगेंस्ट द विशेज ऑफ द पार्टी। सो उस केस में ही इज एलिजिबल फॉर डिसक्वालिफिकेशन। दूसरा केस दोस्तों, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, दे कैन बी डिसक्वालिफाइड अगर वो इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज ऑब्वियस, इजंट इट? आइए तीसरा केस देखते हैं। सो तीसरे केस में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, दे हैव टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द 6th month स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच दे टेक देयर सीट इन द हाउस। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन राज्यसभा देयर आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इन लोकसभा देयर आर 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो जिस दिन से वो अपनी सीट लेते हैं हाउस में, फ्रॉम दैट डे टिल 6 months दे हैव टू ज्वाइन एनी पोलिटिकल पार्टी एंड इफ दे फेल टू डू सो, अगर वो ये नहीं कर पाते हैं, देन दे आर एलिजिबल फॉर डिसक्वालिफिकेशन। इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो आइए जरा उन्हें भी देख लें। सो पहला एक्सेप्शन, अगर किसी पोलिटिकल पार्टी का किसी दूसरी पोलिटिकल पार्टी के साथ मर्जर हो जाता है, दैट इज एक पोलिटिकल पार्टी में 2/3 ऑफ द मेंबर, 2/3 मेंबर अग्री कर जाते हैं किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक मर्जर कोएलिशन बनाने में, देन उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट डिसक्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द मर्जर। और दूसरा एक्सेप्शन दोस्तों ये है कि अगर किसी मेंबर को इलेक्ट कर लिया जाता है एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे मीन टू से दैट अगर किसी मेंबर को किसी हाउस का चेयरमैन या स्पीकर बना दिया जाता है, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी मेंबरशिप वॉलंटरिली स्वेच्छा से दे देते हैं, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जब उनका स्पीकर का या चेयरमैन का टर्म खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो अपनी इच्छा से अपनी पार्टी में वापस ज्वाइन कर लेते हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिसक्वालिफिकेशन। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन के केस में जो फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, द डिसाइडिंग रूल्स, जो पावर्स हैं, वो किसके पास होते हैं। सो ओरिजिनली दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के तहत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, जैसे द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ही हैज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी। बट इन द कोहोतो होलोहान केस ऑफ 1993 सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास डिसाइडिंग अथॉरिटी तो है, बट इट इज नॉट दैट कि उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में, बिकॉज दिस अंडरमाइंस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। दस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वाइल डिसाइडिंग अ क्वेश्चन अंडर द 10th schedule ही और शी हैज टू फंक्शन एज अ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल क्या होता है दोस्तों? ट्रिब्यूनल्स आर फॉर्म्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, वो कोई भी डिसीजन ले, दैट डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइडी और परवर्सिटी। दैट इज अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई डिसीजन लेता है, तब भी उसके डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है किसी कोर्ट में। पर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, यह भी माना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो एडजुडिकेटरी पावर्स हैं, उसमें कोई भी पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों सिमिलरली लाइक द डिसाइडिंग अथॉरिटी, द रूल मेकिंग पावर टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 10th schedule इज ऑल्सो वेस्टेड विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई डिफेक्शन का केस तभी ले सकता है जब उसके पास किसी मेंबर से कंप्लेन आए, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के फाइनल डिसीजन से पहले उसे उस मेंबर को एक चांस देना पड़ेगा टू सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट हैज बीन मेड। इन 1985 जब इस एक्ट को बनाया गया था, देन आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज राजीव गांधी एंड ही कोटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। उन्होंने दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में ये कहा, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप ऑफ पब्लिक लाइफ।
तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस एंटी डिफेक्शन एक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी डिफेक्शन एक्ट से एक स्टेबिलिटी हो जाती है किसी भी पॉलिटिकल बॉडी में, बिकॉज उनके लेजिस्लेटर्स, द मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, दे कैनॉट स्विच और चेंज देयर पार्टीज, एंड दस इट क्रिएट्स स्टेबिलिटी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा था, एंटी डिफेक्शन लॉ में मर्जर का प्रोविजन भी है। दैट इज, अगर 2/3 मेंबर्स अग्री कर जाते हैं एक पॉलिटिकल मर्जर के लिए, देन दिस कैन बी अचीव्ड। दस इस लॉ का एक एडवांटेज ये भी है दैट इट फैसिलिटेट्स द डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट ऑफ पार्टीज। एंटी डिफेक्शन लॉ लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण में सहयोग करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस करप्शन एट द पॉलिटिकल लेवल, और अगर इररेगुलर इलेक्शंस होते हैं तो उस पर एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है ये उसे भी बचाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वॉज अ क्लियर कट रिकॉग्निशन गिवन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो चलिए अब कुछ क्रिटिसिज्म्स भी देख लें इस एंटी डिफेक्शन लॉ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये लॉ डिसेंट और डिफेक्शन यानी मतभेद और दल बदल, इसके बीच में एक डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है। आप इसे यूं कह सकते हैं कि ये कर्ब करता है लेजिस्लेटर के फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस एंड हिज राइट टू डिसेंट, उसके मतभेद के अधिकार का हनन करता है। जो दूसरा क्रिटिसिज्म होता है दोस्तों, वो कुछ ऐसा है कि ये इंडिविजुअल डिफेक्शन को तो रोकता है, परंतु ग्रुप डिफेक्शंस यानी मर्जर्स इसको बढ़ावा देता है। और एक क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है दोस्तों कि इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन एंड डिस्टिंक्शन में भी ये लॉ कुछ कंक्रीट स्टेप्स नहीं बताता। यू कैन ऑल्सो से दैट फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, दैट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके पास जो पावर्स हैं उसको भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है दो ग्राउंड्स पर। फर्स्ट, कि वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड दस ही लैक्स इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल एग्जिजेंसीज। सेकेंडली दोस्तों, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ही लैक्स द लीगल नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस टू एडजुडिकेट अपॉन द केसेस, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट। सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्रिटिसिज्म्स दोस्तों। आइए अब देखते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि 2003 में लाया गया था। वॉट वर द मेन रीजन्स बिहाइंड ब्रिंगिंग आउट दिस 91st अमेंडमेंट एक्ट इन द 10th स्केड्यूल ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये जो लॉ है, ये बल्क डिफेक्शन को तो क्रिटिसाइज नहीं करता, बट इंडिविजुअल डिफेक्शंस को इलीगल करार दे देता है। तो ये एक नीड थी 91st अमेंडमेंट एक्ट लाने के लिए। दूसरी नीड ये थी दोस्तों कि वेरियस कमेटी के रिपोर्ट्स में दोस्तों, लाइक द कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट एंड द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी के रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि जो स्प्लिट के केस में एग्जेम्पशन होता है वो ठीक नहीं है, और इसीलिए देर वॉज अ नीड ऑफ द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर जो मर्जर है उसमें अगर 2/3 की बजाय इंस्टेड ऑफ 2/3 1/3 ऑफ द मेंबर्स भी अग्री करते हैं, देन ऑल्सो देयर कैन बी अ स्प्लिट। सो दिस वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज। मोर ओवर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनका स्ट्रेंथ काफी लार्ज होता जा रहा था, एंड देर वॉज नॉट एन अपर सीलिंग, एक कोई अपर लिमिट नहीं थी टू द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट और इन द यूनियन गवर्नमेंट। सो इसे फिक्स करने के लिए देर वॉज द नीड ऑफ 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। नाउ वी विल सी कि इस 91st अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या प्रोविजन्स थे। अकॉर्डिंग टू द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, आर्टिकल 75, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस कैनॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। सिमिलरली, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी एक स्टेट में, इट कैनॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। And also the number of ministers including the chief minister of a state, it should not be less than 12. Ministers ki sankhya including the chief minister, ye 12 se kam nahi honi chahiye. Also, parliament ke kisi bhi house ka koi bhi sadasya, jisko ki disqualify kar diya gaya hai defection ke cases mein, he is disqualified also to be appointed as a minister. Similarly, for either house of the state legislature, any member who has been disqualified on ground of defection
is also disqualified to be appointed as a minister. And most significantly, the provisions of the 10th schedule of anti-defection law deleted the exemption to disqualification in case of split by 1/3 members of the legislature party. According to this provision, 1/3 members of legislative party jo ki split bana lete the, it was raised to as a merger of 2/3, and this split was deleted. So this is all about the anti-defection law. Dosto, there are various proposals and there are various insights in which you can look for. Like aap soch sakte hain कि जो सिटीज़न है जिन्होंने वोट करके कैंडिडेट को चूज़ किया, अगर वो इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्विच कर लेता है, देन द सिटीज़न शुड बी एबल टू रजिस्टर देयर डिसप्लेजर एट द वायलेशन ऑफ इलेक्शन मैंडेट. सिमिलरली देयर कैन बी पब्लिक शेमिंग और बॉयकॉटिंग ऑफ लेजिस्लेटर्स फंक्शंस. कुछ कुछ केसेस में दोस्तों, जो डिफेक्टर है उसके एसेट को, उसकी फैमिली को और उसके नाते रिश्तेदारों के एसेट्स को, दे ऑल कैन बी सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक ऑडिट फॉर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स आफ्टर अ सडन चेंज ऑफ पॉलिटिकल हार्ट. दोस्तों, आप इन पॉइंट्स पर सोचिए. जो फाइनल अथॉरिटी बनाई गई है, इंस्टेड ऑफ द स्पीकर और इंस्टेड ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी कैन बी वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड दिस वुड मेक द प्रोसेस सिमिलर टू डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिन पर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं. यू कैन थिंक अबाउट देम, यू कैन ऑल्सो डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम. नाउ देर इज सम असाइनमेंट फॉर यू. सो यू हैव टू नेम द कंट्रीज अदर देन इंडिया वेयर एंटी डिफेक्शन लॉज आर इन प्लेस, एंड वॉट डू यू थिंक दैट इज देर अ नीड टू मॉडिफाई और स्क्रैप द एग्जिस्टिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया. मोर ओवर, यू ऑल्सो नीड टू आंसर दैट Does anti-defection law promote the purchase of legislators to reduce the majority to minority? And you have to elucidate this point referring to the recent ongoing political crisis and schism in the state of Karnataka. दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, I request you all, कि आप किसी भी particular exam की तैयारी कर रहे हैं, prepare कर रहे हैं, you do it wholeheartedly, पूरे मन के साथ, ईमानदारी के साथ, With hard work and patience. आपको अगर results आज नहीं मिल रहे तो कल ज़रूर मिलेंगे. बस खुद पर भरोसा रखिए और टिके रहिए, लगे रहिए. Keep working, keep growing. आया राम गया राम बन के ना रह जाइएगा. So this is all for this lesson, guys. I hope you have understood the topic well enough. और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, you can always mention in the comment section. And I request you to provide answers to these questions in the comment section. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी ये नई सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो काइंडली लाइक का बटन दबा दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं व्हाट डू यू फील अबाउट इट. सो नाउ दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेसन. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेसन. टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक.